हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड वीजीईसी, हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट आफ्टर द मॉक राउंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर, हम यहाँ पर जो एलडी और वीजीईसी के बारे में बात कर रहे हैं, बट एलडी और वीजीईसी में तो क्या हुआ है? एलडी और वीजीईसी में तो जैसे कि कल मैंने यहाँ पर कवर किया था कि यहाँ पर कुछ नई सीट्स को इंक्रीमेंट किया गया है और कुछ सीट्स को यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर कॉलम नंबर रो नंबर 8 और 9 के अंदर देख पा रहे होंगे, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आईसी के अंदर यहाँ पर 90 नंबर ऑफ सीट्स टोटल हो चुकी है और वीजीईसी में यहाँ पर आईसीटी की 60 नंबर ऑफ सीट्स हो चुकी है। बट इससे पहले आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर, यहाँ पर वीजीईसी में आईसीटी था कि नहीं, तो फटाफट से हम उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हम ये वाली पीडीएफ के अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं वीजीईसी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वीजीईसी में सबसे पहले आईसीटी ब्रांच इससे पहले था ही नहीं, इस बार यहाँ पर फर्स्ट टाइम आईसीटी ब्रांच में सीट्स दी गई है। और कितनी सीट्स है आईसीटी ब्रांच में? यहाँ पर टोटल 60 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि वीजीईसी और एलडी के अंदर क्या कुछ यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से हम ये वाली पीडीएफ के अंदर चले जाते हैं एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर। तो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर कोई भी सीट्स नहीं बची है, ऑटोमोबाइल के अंदर भी कोई भी सीट्स नहीं है, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बाद आईटी इंजीनियरिंग, आईसी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में कोई भी सीट्स नहीं बच रही है। सीट्स कहाँ पर बच रही है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये तीन ही यहाँ पर ब्रांच ऐसी है कि जिसके अंदर यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मॉक राउंड के बाद अभी भी यहाँ पर सीट्स खाली दिखाई दे रही है। कौन कौन से, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ योर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, देन सेकेंड इज योर रबर टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज द टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, कि जिसके अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर आपको सीट्स बची हुई दिखाई दे रही है, कि जहाँ पर 75 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी कि जिसके अंदर यहाँ पर अभी भी अलोकेटेड में यहाँ पर 18 सीटें अलोकेट हुई थी, बाकी की 57 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वैकेंट देखने को मिल रही है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पर अगर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 18 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स खाली भरी है आफ्टर मॉक राउंड, और इसके बाद यहाँ पर कौन सी है, उसके बाद यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 9 वैकेंट सीट के साथ रबर टेक्नोलॉजी, बाकी की सारी यहाँ पर वैकेंट मतलब फील हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो आईसी के अंदर टोटल सीट्स 90 हो चुकी है, तो आईसी कहाँ पर है? सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आईसी के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा, ऊपर इन द सेंस कि लेट्स से दैट कि पिछले साल 4000 पे क्लोज हुआ था, तो इस साल यहाँ पर 30 नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीमेंट हुई है, तो इसके अंदर 1000 या फिर 2000 जितना मेरिट ऊपर जाने के चांसेस है, बिकॉज द इंजीनियरिंग सीट्स इज ऑल्सो एडेड। ओके, सो आफ्टर कवरिंग एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लेट्स क्विकली जंप ओवर टू द वीजीईसी। तो वीजीईसी के अंदर यहाँ पर केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जिसके अंदर डेटा साइंस कोर्स है वो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पर आईटी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वीजीईसी के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करके ही यहाँ पर इंजीनियरिंग ब्रांच है कि जिसके अंदर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 42 इंजीनियरिंग सीट्स अभी भी आपको वैकेंट देखने को मिल रही है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि आफ्टर दी मॉक राउंड रिजल्ट एलोकेशन यहाँ पर वीजीईसी के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है, और वो भी यहाँ पर हाई चांसेस है, बिकॉज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि अभी भी यहाँ पर 42 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स खाली पड़ी हुई है। तो ये यहाँ पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि लेट्स से दैट कि इफ यू जस्ट वांटेड टू गो जस्ट एंड जस्ट इन द वीजीईसी देन यू कैन सेलेक्ट दिस ब्रांच एज वेल। आफ्टर देन यू कैन सेलेक्ट द वेरियस फ्यूचर स्कोप कि आप यहाँ पर आगे क्या कुछ कर सकते हो। राइट, सो या दिस इज द टू कॉलेज आई हैव कवर्ड इन द सिंगल वीडियो। इफ यू वॉन्ट मोर कॉलेजेस देन फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।